नमस्कार, सुंदरानी स्टूडियो से मैं अनिरुद्ध दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। आज जिस खास मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उनका नाम है निशांत उपाध्याय। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में कोरियोग्राफी में निशांत उपाध्याय का वर्षों से डंका बजते आ रहा है। कौन ऐसा प्रोड्यूसर, कौन ऐसा डायरेक्टर नहीं होगा जो निशांत से अपनी फिल्म में कोरियोग्राफी न कराना चाहे। न सिर्फ छत्तीसगढ़ी बल्कि भोजपुरी, हिंदी, बंगाली और उड़िया सिनेमा में भी निशांत अपनी कोरियोग्राफी का हुनर दिखा चुके हैं। निशांत, आपका सुंदरानी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। निशांत, मुझे याद आता है मैं बचपन से आपको देखते आ रहा हूँ। आपको इस कदर जो है डांस का और अभिनय का कीड़ा काटा हुआ था कि घर में अपने पिता स्वर्गीय प्रकाश उपाध्याय जी की निगाहों से आप इधर उधर होकर भुलक कर घर से भागा करते थे। वो किस तरह का दौर था वो? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, मैं निशांत उपाध्याय। जैसे कि भैया मन पूछी इस तरह, मैं बचपन से नाच गाना के शौक मोला रही से, पर का है कि बाबू जी बहुत चिढ़त रही से, कावर की हमन ब्राह्मण फैमिली से हन, तो उमा मतलब पिताजी ला पसंद नहीं रही से, बोलना रही से कि तय बैंक के कर्मचारी बन, सरकारी नौकरी कर, तो मोला वो पसंद नहीं रही से। मोला बचपन से नाच गाना में ज़्यादा इंटरेस्ट रही से, तो मैं घर ले रात के जब पिताजी सूझ जाए तो मैं घर ले दीवार कूद के फान के भागाऊँ, डांस प्रोग्राम अटेंड कराऊँ, फिर आके चुपचाप रात के सूझ जाऊँ। तो ऐसे करत 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 मैं जब का गणेश नवरात्रि दुर्गा के प्रोग्राम हुआ रही से रात रात में, वहाँ जा के नाचाऊँ और फर्स्ट और सेकंड प्राइस जीत के लाऊँ मैं। क्या बात है, वाकई वो अविस्मरणीय दौर था आपका। और मुझे याद है कि झन भूलो माँ बापला सतीश जैन जी की डायरेक्ट की हुई पिक्चर थी, तो उसमें आपने अनुज शर्मा के दोस्त का रोल किया था। तो एक संभावना ये भी तो बन सकती थी कि आप एक्टिंग में जाते लेकिन फिर आप कोरियोग्राफी में ही हाथ आजमाना आपने क्यों चीज़ समझा? देखिए भैया, का होते कि हर आदमी यहाँ इंडस्ट्री में हीरो बने बर आते, मैं यहाँ कोरियोग्राफर बने बर नहीं, महू हीरो बने बर आए रहे हूँ, पर देखे हूँ कि कोई ब्रेक देवैया नहीं है और बहुत स्ट्रगल करे हूँ, तब जाके एक वीडियो फिल्म में मोहन सुंदरानी जी मोला कोरियोग्राफर बनाई। संग में जीवो संग में मरबो रामू यादव रही से ओकर हीरो और अंशुदास हीरोइन रही से, उमा मैं पहली बार कोरियोग्राफर बन के आऊँ। फिर मैं एक्टिंग में अपन इंटरेस्ट ला रुचि ज़्यादा बढ़ाया और दोनों एक साथ चलत रही से, ये तरफ कोरियोग्राफी और ये तरफ एक्टिंग। आप दोनों की बात किए, एक और प्रसंग याद आ गया जो सुंदरानी प्रोडक्शन से ही जुड़ा हुआ है। और ये झन भूलो माँ बापला के थोड़े पहले की बात है, सुंदरानी प्रोडक्शन की फिल्म आई थी जय महामाया। जय महामाया में मैंने देखा था कि निशांत उपाध्याय का नेगेटिव रोल था और थोड़ा मोड़ा, कुछ मिनटों का नहीं, बहुत लंबा रोल, तो वो भी एक जो है यादगार था कहीं ना कहीं। मैं खरबर पूरा सुंदरानी फैमिली ला, मोहन भैया ला, लखू भैया ला धन्यवाद देता हूँ, काबर की पहली बार लड़का ला विलेन बनाई से उमन, मतलब मैं बाल विलेन रहे उमा, मोर पिताजी मेन विलेन रही से, पर वो फिल्म में मोला बहुत बड़ा एक ब्रेक मिली से सुंदरानी फैमिली की डान ले। और एक चीज ये है कि सिनेमा 2003 के बाद थम सा गया, फिर एल्बम का जबरदस्त दौर चला, आपने देखा होगा, और आपने इतने एल्बम की जो है कोरियोग्राफी की कि जिसकी गिनती लगाना मुश्किल है। लेकिन अब वो एल्बम का दौर वैसा दिखाई नहीं देता, ठीक है सिनेमा तो लौट आया लेकिन एल्बम कहाँ है? का हुई इसकी, पहले सीडी चलत रही से, सीडी में एल्बम लोग मन घर में जाए, डीवीडी प्लेयर में कंप्यूटर में देखे, पर ये आधुनिक जमाना जला कहते ना कि तरक्की करत जाते साइंस और विज्ञान हा, तब वो सीडी के जमाना विलुप्त हो गया, अब यूट्यूब के जमाना आ गए, तो अब सब कोई यूट्यूब में जाते क्लिक करते और सब कोई के पास डेटा है, जियो है, तब वो में जाके वो एल्बम ला देख लेते। सुंदरानी प्रोडक्शन का एल्बम हो या फिर सिनेमा हो, निशांत उपाध्याय की भागीदारी उसमें पूरी जमकर होती है, पूरी तरह डूबे नजर आते हैं। आखिर सुंदरानी प्रोडक्शन से जो है निशांत उपाध्याय का इतना गहरा प्रेम, इतना लगाव किस खातिर? देखो हमन बहुत, आज हम लोग सुंदरानी परिवार में काम करते मतलब 18 साल के आसपास हो गए, और यहाँ ऐसे कई टेक्नीशियन मन है, जैसे यहाँ के कैमरामैन है, यहाँ के एडिटर है, दो चार नाम मैं आप लोग बताता हूँ, जैसे नीरज वर्मा है, मोहन साहू है, राधे है, मैं हूँ, ऐसे बहुत टेक्नीशियन और मतलब यहाँ काम करवैया मन है, जिन आज 20 साल कोनो 25 साल, एक घर है, एक फैमिली है, हमन ला ऐसे नहीं लगते कि हमन काखरो यहाँ काम करत हन, हमला अपना परिवार लगते सुंदरानी फैमिली है।
छत्तीसगढ़ी सिनेमा के दो बड़े डायरेक्टर सतीश जैन जी और मनोज वर्मा जी, इन दोनों के साथ आपने काम किया और लंबा काम किया, इनके साथ किस तरह के अनुभव जुड़े रहे? सबसे पहली तो सतीश जैन जी के बात बताता हूँ। सतीश जैन खाता पिक्चर, बिछाता पिक्चर, ओढ़ता पिक्चर, सोता पिक्चर, वन मैन शो, वन मैन आर्मी है वह। और मनोज भैया जो है, मनोज भैया टेक्निकली इतका साउंड है कि वो कोई भी बारीकी से बारीकी चीज ला, वो जब डूब जाते अपन कैरेक्टर, अपन फिल्म में, अपन डायरेक्शन में, तो अतका बेहतरीन ओला निकाल के ले जाते। और सतीश भैया का है कि सतीश भैया जब सेट पे रही थे तो सतीश भैया के जेन पूरा यूनिट टेक्नीशियन मन रही थे, सबला चार्ज रखते वो। हालांकि हो गए 52-53 के, पर वो जब काम करते तो 25-30 के उम्र के आदमी मतलब फेल कर देते। क्या बात है। एक चीज और कहूंगा निशांत, मैं जैसे आपका मैंने देखा कोरियोग्राफी, आपका सिनेमा और मंच पर भी जो है आपका जलजला मैंने देखा, ये सब चीजों को लेकर तो आपका बेहद समर्पण दिखता है। बहुत अनुशासन प्रिय रहते हैं, बहुत सख्त रहते हैं, यहाँ तक कि मंच पर भी कार्यक्रम हो और जब वो आर्टिस्टों को तैयार करा रहे होते हैं, रिहर्सल करवा रहते हैं, तो वहां पे भी उनका अनुशासन देखते बनता है। लेकिन खुद निशांत के बारे में कहा जाता है कि अपने आप के प्रति वो बहुत लापरवाह इंसान है, तो इस बारे में कितनी सच्चाई है ये जानना चाहेंगे? देखो मैं लापरवाह तो हूँ थोड़ा बहुत, काबर की अब जैसे शूटिंग है तेमा 2 बजे जैसे ब्रेक करना चाहिए था, वो टाइम में ब्रेक नहीं करो, कभी खाना लेट हो जाते, कभी 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 नहीं भी खान। और अब कलाकार है, ग्लैमर दुनिया है, तो लोग अलग अलग किस्म के भाखा बोली बोलते, उखर ले फर्क नहीं पड़े, फर्क ए बात ले पड़ते कि आप अपन काम में कतका ईमानदार हो। लेकिन खान पान में भी कई बार बोलते हैं कि नियंत्रण नहीं रह जाता। अब देखो का है कि भाई शूटिंग लाइन है, एमा जी से बोला जाए कि शनिवार के दाढ़ी नहीं बनाए जाए एक हिंदू सभ्यता में, तो हमन ला तो भैया रोज सेविंग करवाना है, रोज चिकना होना है, तो कतका संस्कृति ला, कतका आप मन ओला मान लो, हमर लाइन में एक ही चीज हमन जानथन, शो मस्ट गो ऑन। निश्चित रूप से राज कपूर साहब भी बहुत कहा करते थे इस बात को कि शो मस्ट गो ऑन, खेल जारी रहना चाहिए। निशांत भाई, इसी खेल में मैंने देखा कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ की खूबसूरत लोकेशन, देश भर की कई खूबसूरत लोकेशन को आपने देखा, यहाँ तक कि विदेश भी गए आप कोरियोग्राफी करने, सिनेमा की कोरियोग्राफी करने, तो इनमें ऐसी कौन कौन सी लोकेशन है जो आपको लुभा गई और ऐसा लगता है कि यहाँ पे बार बार शूटिंग किया जाना चाहिए? देखो एल्बम के दौर में तो मैं ऑल ओवर इंडिया पूरा घूम चुका हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी गाना ला ताजमहल में, राजस्थान में, सिक्किम में, मनाली में, शिमला में, ऊटी में, ये सब जगह मैं एल्बम के गाना करे हूँ। तो अब मैं बोलूँ कि फिल्म भर कहाँ बच गए, तो फिल्म भर बची से विदेश, तब मैं विदेश बैंकॉक पटाया गए रही हूँ, हमारे एक फिल्म है प्रेम के बंधना तेला लेके, और हम वहाँ 4 दिन शूटिंग करें 2 गाना के, और बहुत बढ़िया बढ़िया लोकेशन में वहाँ शूटिंग करे हैं। पर मोर सबसे दिली ख्वाहिश इच्छा है कि मैं नेपाल जाऊँ, नेपाल में एक जगह है जुमसुम करके, वहाँ बहुत ऑक्सीजन के मात्रा बहुत कम होते, पर लोकेशन ला देखे तो ऐसे लगभग कि ऐसे लगते कि स्वर्ग में आ गए हमन। क्या बात है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में न सिर्फ बड़े डायरेक्टरों की बात कर रहे हैं हम, हर कोई बड़ा कलाकार, उसमें नायक भी है, नायिका भी है, सबको आपने कोरियोग्राफी की, और निश्चित रूप से कई सारे आपके अनुभव जुड़े रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव जो सटीक अनुभव रहे हों उसके बारे में हम जरूर सुनना चाहेंगे। मैं ऐसे कई हर फिल्म में ऐसे घटना होते, पर मैं सबसे बड़ी घटना और दुर्घटना बताता हूँ आप, मतलब बहुत मजा भी आई जी। हमन भावर फिल्म के शूटिंग करत रहे तो चित्रकूट जेन फॉल है, झरना है, वहाँ तक हमन डोंगा में गेन, और डोंगा ऐसे 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 हो पानी के लहर ले, वहाँ गेन तो एक काई वाले पत्थर रही से जेमा पानी गिर के काई जम गिरीस। मैं अनुज भैया बोली हूँ ये मेरा आप लग खड़ा होना है, तो बोले कैसे हो हूँ, तो हमन वो काई ला पत्थरा ले रगड़ रगड़ के निकाले, और जब वो फ्रेम ला मैं लगायो और जब वो पर्दा में आईस, तब जतका मनखे मन है इंडस्ट्री जो पूछते अरे भाई ये कहाँ का लोकेशन है यार, ये कहाँ का लोकेशन है, तो कहे का मतलब ये है कि हर आदमी के अपन पॉइंट ऑफ व्यू होते देखे के सोचे के। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जहाँ मतलब दुनिया जहाँ सोचते मैं वहाँ नहीं सोचा, मैं सोचता हूँ कि एक लिए डिफरेंट औ का अच्छा कर सका हूँ जिन दूसर मन नहीं कर सके। क्या बात है। कोरियोग्राफी में आपने इतना जो है आनंद लिया, इतने डूबे रहे, इतने मगन रहे, क्या कभी ये इच्छा नहीं होती कि कोई फिल्म प्रोड्यूस करें या डायरेक्ट करें?
देखो अभी रोजी रोटी दाल रोटी अच्छा चला था कोरियोग्राफी और एक्टिंग ले, अभी डायरेक्टर बने के कोई मतलब निश्चित नहीं है। हाँ जब एक मौका आई जब मैं मोर दिल ले आवाज आई कि भाई तय हाँ अब तय सीख गया सब तो बनाना चाहिए, तो अभी तक यहाँ ले आवाज नहीं आए हैं कि तय डायरेक्टर बन। निशांत भाई, सुंदरानी प्रोडक्शन की बहुप्रतीक्षित फिल्म आई लव यू टू 9 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। आपने न सिर्फ आई लव यू टू बल्कि उसके पहले आई लव यू 1 के लिए भी कोरियोग्राफी की थी, और जहां तक कि मैंने सुना है कि कांकेर के खूबसूरत लोकेशन में फिल्मांकन हुआ था गीतों का, तो उससे भी कोई बेहतरीन अनुभव जुड़े रहे होंगे जिसके बारे में हम सुनना चाहेंगे। आई लव यू 1 तो हमन बहुत प्यार से और बहुत आराम से शूटिंग करें, पर आई लव यू 2 में हमन बहुत मेहनत करें। जैसे कि आई लव यू 1 हमन जेन करें कांकेर में, तो अपन आई लव यू 2 भी वही करना है, तो ओखर ले डिफरेंट और ओखर ले अच्छा करना है। तो टेंशन रीस की का अलग करें का अलग करें, तो आई लव यू 2 में हमन रायपुर ले एक गाना है, पियानो है गाना में। अच्छा, तो रायपुर ले एक गाड़ी पर्सनल वो पियानो ला लेके कांकेर आईस। क्या बात है। और वो पियानो ला कांकेर ले हमन और 60 किलोमीटर दूर ले गए एक डेम, वो डेम में बोलते भाई मगरमच्छ भी है पर पता नहीं हवा की नहीं है। जब ये बात में मन ला बताया कि वो डेम के बीच में वो पियानो ला रखना और बजाना है, और गांव वाला मन ऐसे खुसुर फुसुर करा रही तो मन सुन ली कि अरे वो वहाँ बकरमच्छ है। अरे तो मैं बोला तय बैठ मोर बाप, मैं बैठे हूँ तोर ये कैमरा के पार, तोला कुछ नहीं होने दे। तो बहुत मेहनत करके वो गाना ला हमन करे। और दूसरा गाना है मतलब वो गाना में बहुत अच्छा अच्छा कांकेर के वादियां है लोकेशन है, पर आई लव यू 2 में जत का मेहनत पूरा टेक्नीशियन मन यूनिट मन करे है, बहुत मेहनत करे है। और एक गाना में हमन बारिश भी करे है, आप मन ला दिखी कि पूरा ठंड के समय रही से बहुत ठंड रही से, और आउटडोर करना रही से गाना ला मुस्कान और मन ऐसे कांपत रही से, मोर भी हिम्मत नहीं होत रही से, पर वो गाना के सिचुएशन ऐसे है कि वो पानी गिराना ही है। तो ले दे के हमन एक तीर आग जलाएं, एक तीर अग्निशमन के फायर ब्रिगेड लाएं, मैं पानी गिरात रहे हूँ, और क्रेन ट्रॉली लाइट सब चलत है, वो मन ऐसे एक टेक दे और फिर आके आग तापे, फिर एक टेक दे फिर आग तापे। तो बहुत मेहनत करी ने जम्मो टेक्नीशियन मन कलाकार मन डायरेक्टर मन, तो यही एक जनता जनार्दन से मोर निवेदन है कि आई लव यू 2 आते 9 अगस्त के आप मन के नजदीकी सिनेमा घरों में, तो आप मन जरूर देखो अपन माया ला दो, बस यही आशीर्वाद के साथ अपन दया माया बनाए रखो। क्या बात निशांत जी, हालांकि आज थोड़े सवाल हुए आपसे, लेकिन उन थोड़े सवालों का जो जवाब था उससे बहुत सारी चीजें समाहित थी, जीवन के बहुत सारे अनुभव आए, और आज आपने हमारे लिए जो समय निकाला उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। आपो मन के बहुत बहुत धन्यवाद।